अम्मी सुनिए ना, हम क्या हुआ बेटा? वो हमें अम्मी से कुछ कहना था। कहिए क्या बात करनी थी जी? वो जी वो युवक क्या कहिए क्या बात करनी थी आपको? हेलो, अस्सलामुअलैकुम। अरे कहाँ ले जा रही है हमें? प्लीज आप यहाँ पर हमारे साथ आइए, बोलिए ना दादा जान। अरे छोटी दुल्हन चली जाइए ना उसके साथ, कुछ खास ही कहना होगा हमारी बेटी को। जी दादा जान, बहुत खास बात है, चलिए ना अम्मी। अरे भाई खुशखबरी है, लड़के वालों का फोन आया था, उन्होंने नईमा को पसंद कर लिया है, वो तैयार है शादी के लिए। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो भाभी, आज तो बहुत अच्छा दिन है। एक तरफ सवा का मोबाइल आ गया और दूसरी तरफ नईमा का रिश्ता पक्का हो गया। क्या है? क्या बात कर रही है आपको? सामने कीजिए हमारे। ओ अरे भाई, वो कुछ अपनी अम्मी से ही कहना चाह रही है, इसमें काहे की जिद है। जाइए बेटा, छोटी दुल्हन जाइए, सुनिए उसकी बात। शुक्रिया दादा जान, चलिए भी। कितनी खुश नजर आ रही है हमारी नजमा, अल्लाह उसको नजरे बस से बचाए, उसकी हर मुराद पूरी करे। अम्मी अरे बेटा, कहाँ ले जा रही हैं आप? अम्मी पर बताइए तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? नए पड़ोसी ले आए हम अम्मी को। बेटा हम यहाँ क्या कर रहे हैं? रुकिए, अम्मी कुछ बोलना चाहते हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ओफो, खैरियत पूछने के लिए बुलाया क्या अम्मी को? काम की बात कीजिए ना। चुकी हाँ हाँ, मरियम दी, हमारे इमरान मियाँ आपसे कुछ कहना चाहते थे। जी जी नहीं मियाँ, कह दीजिए ना जो हमसे कह रहे थे, बड़े दिल से निकली थी बात। जी जी हमें काम है। अम्मी रुकिए ना, नए पड़ोसी बोलिए ना। भाई ऐसी कोई बात नहीं है बोलने वाली, जो दिल में। सिर्फ ये कह रहे थे कि आप। वालेकुम। वालेकुम सलाम, बड़ा कमाल का वक्त निकल आती हैं, कैसी हैं आप? अच्छे हैं हम। वो हम आपके लिए कुछ लेकर आए थे, हमारे हाथ का मलाई कोफ्ता पूरे मोहल्ले में मशहूर है। क्यों मरियम भाभी? वो तो चली गई। हम जो आ गए, आप लीजिए ना, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए हम गाना गा चुके हैं, हमें नहीं चाहिए। अरे लेकिन आप फिर किसी दिन आ जाइएगा। क्यों, उस घर की दावत पसंद है हमारी नहीं? जी जब भी हम कुछ लेकर आते हैं आप हमेशा मनाई कर देते हैं और उस घर में जाकर दावत उड़ाते हैं। वैसे दिल की क्या बात करने वाले थे आप मरियम भाभी से? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे आप तो नाराज हो गए, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। बेहुदा मजाक आना मत कीजिएगा और जाइए यहाँ से। अरे भाभी मुबारक हो। पता है कम से कम ना 10 फकीरों को आपको खाना खिलाना चाहिए। अरे आपकी और आपकी अम्मी की इतनी बड़ी मुराद पूरी हो गई भाभी, उनसे खुशखबरी सुन के रुका ही नहीं गया, बस दौड़े दौड़े चले आए। अब क्या बताएं आपको बाजी, अल्लाह ने बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी, अब अम्मी ना चैन से जी सकेंगी। कितनी परेशान रहती थी वो नई माँ के रिश्ते को लेकर। समझ सकते हैं बिल्कुल भाभी। सबा के अबू गए मिठाई लाने, आज तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे हम। जी भाभी लीजिए बाजी, बताशे खाइए, खुशी का मौका है, तब तक किसी से मुंह मीठा करिए। आप भी खाइए ना भाभी, हम चाय लाते हैं। ओहो किस खुशी में बताशे बांटे जा रहे हैं? शबनम तुम भी खाओ। पर बताएं तो सही किस खुशी में? जी वो भाभी की बहन नईमा का रिश्ता पक्का हो गया माशाल्लाह। अच्छा तो आजकल रिश्ते पक्के किए जा रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? नसीमा भाभी, अब आपकी बहन का रिश्ता पक्का हो गया और इधर आपकी देवरानी मरियम का भी तो रिश्ता जुड़ रहा है। क्या बकवास कर रही हो, होश में तो हो तुम? अब इतने भोले भी मत बनिए, हम सब समझते हैं, जब से नया पड़ोसी आया है आप लोगों की नजर पड़ गई है उस पे। शबनम क्या गलत कह रहे हैं हम,
सारा मोहल्ला जानता है कैसे मेलजोल बढ़ाया जा रहा है नए पड़ोसी के साथ और उसे दावत पे बुलाया जा रहा है। और तो और अब तो सब्जियां भी पहुंचाने लगे हैं नए पड़ोसी आपके घर। क्यों ये आप क्या कह रही हैं? आहा मरियम, कुर्बान जाए तुम्हारी मासूमियत पे। छत पे वो नया पड़ोसी तुमसे दिल की बात नहीं कर रहा था क्यों? क्या उल्टा सीधा बके जा रही हो तुम? गलत कह रहे हैं हम तो? पूछिए ना मरियम भाभी से। अभी भी छत पे वो नया पड़ोसी बात नहीं कर रहा था इनसे और उसका मामू कह रहा था कह दो अपने दिल की बात क्यों? क्या बेहूदा बातें किए जा रही हो तुम शबनम? सलमान चाचा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और वैसे भी आप लोग पड़ोसी को अपने जाल में फंसना चाहते हैं ना, तभी तो उनको दावतें दी जा रही हैं। आप तो नीचे बैठे रहते हैं, अब ऊपर छत पे क्या हो रहा है आपको क्या खबर? नजमा और मरियम भाभी चक्कर काटते रहते हैं उस पड़ोसी के, और आज तो हम बोल रहे हैं कल को पूरा मोहल्ला यही बातें करेगा। हाँ शबनम, जबान को लगाम दो। अगर एक लड़की और निकाला तो जबान खींच लेंगे तुम्हारी। और चुपचाप दफा हो जाओ यहां से, जाओ फौरन। और दोबारा इस घर में आने की जरूरत मत करना। और बड़ी दुल्हन, दोबारा हम इस लड़की को इस घर में ना देखें। हाय अल्लाह, पता नहीं क्या बकवास कर गई वो बदतमीज लड़की। इसीलिए हम मना करते हैं ऐसे बेकार के लोगों से मिलने जुलने के लिए। ये और नजमा सुने तब ना। छोटी भाभी अब बस दूर ही रहिएगा उस पड़ोसी से। ऐसे झूठी मूठी बातों से हमारे चाचा जान का सर झुकेगा ना सबके सामने। और तौसीफ की रूह को भी ना बहुत तकलीफ होगी। अरे भाई, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें छोटी दुल्हन का क्या कसूर है। एक नया आदमी आया है पड़ोस में, आते जाते बात हो जाती है। गंदगी तो उस शबनम के दिमाग में है। लेकिन हम किसी को मौका क्यों दें हमारी तरफ उंगली उठाने का? छोटी दुल्हन, जाइए आप अपने कमरे में जाइए। वैसे चाचा जान, यूनुस भाई ठीक ही तो कह रहे हैं, अब ऐसे इंसान के मुंह क्यों लगे जिससे जग हंसाई हो? लोगों की जबान भी तो नहीं बंद कर सकते ना हम। ये भिंडी का नाम भिंडी क्यों रखा गया? कितनी अच्छी, एकदम किसी हसीना की नाजुक उंगलियों जैसी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत है। और बताओ इसका नाम रखा है भिंडी? मामू आपको जो नाम रखना है आप रख लीजिए, खाना बना दीजिए, खुदा के वास्ते भूख लग रही है। हम बना रहे हैं यार, और तुम तो चुप रहो। अच्छा खासा वो सामने वाली पड़ोसन खाना लेके आई थी, मना कर दिया तुमने। हम मलाई कोफ्ते लेके आई थी। आपने सुना वो कितनी बेहुदा बात करके गई है बदतमीज औरत? वो नहीं देखा आपको? हाँ वो है, बात तो ठीक नहीं कर रही थी, पर मलाई कोफ्ता लेने के बाद भी तो रवानगी कर सकते थे उसको। मामू मसला ये है कि आपको खाने के सामने कुछ दिखता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है। आमा तुम तो हमें ही बातें सुना लो बस, तो बाहर तो तुम्हारी गिग्गी बंद हो जाती। क्या मतलब? तुम तो यही डायलॉग मारने लायक हो, और नजमा की अम्मी के सामने तो बोलती बंद हो गई थी तुम्हारी। मामू तो हम क्या कहते हैं उनसे और हम क्यों कहें उनसे? माँ और बेटी में हमारा क्या बीच है मामू? अम्मा वैसे तुम टैलेंट 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 करते रहते हो, अब घर के सामने टैलेंट है उसकी कोई कदर ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए बात छेड़ी थी, इतने अरमानों के साथ अपनी अम्मी को लेके आई थी बच्ची। अरे तो जब उसकी अम्मी ही नहीं चाहती कि वो टेनिस खेले तो माँ बात खत्म हो गई ना मामू। अब हम घर घर जाकर क्या पर्चियां बांटे? अम्मा घर घर जाने की कौन बात कर रहा है, ये अपने पड़ोस की बात है। और हद हो गई मामू बस। एक तो आप भी सोचते नहीं है कि आप किसके सामने क्या कह रहे हैं। हमने क्या कह दिया मामू? एहसास नहीं है आपको? आप क्या कह रहे थे बाहर? बगैर शर्माए बोल दो, कह दो, खुल के कह दो, क्या मतलब है इन बातों का? वो मामा, वो तो हम नजमा की बात कर रहे थे। वो पूरा मोहल्ला खड़ा है वहां, जो सुनेगा वो क्या सोचेगा? ये बदतमीज औरत ये इतनी बदतमीजी इसीलिए करके गई है।
मामू जरा एहसास किया कीजिए, इन सब में नजमा की अम्मी की इज्जत का भी सवाल है और ये ख्याल आपको रखना है। सोचते ही नहीं आप। नजमा और मरियम भाभी चक्कर काटती रहते हैं उस पड़ोसी के। अभी भी छत पे वो नया पड़ोसी बात नहीं कर रहा था इनसे, और उसका मामू तो कह रहा था कह दो दिल की बात। ऐसे झूठी मूठी बातों से हमारे ससुराल का सर झुकेगा ना सबके सामने, और तौसीफ की रूह को भी ना बहुत तकलीफ होगी। बंद की किसी ने? हमारे इमरान मियां आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें शर्माने वाली बात क्या है? बोल दीजिए। अरे भाई वही जो हमसे कह रहे थे, पर दिल से निकली थी तुम्हारे बारे में। बोल दीजिए। अम्मी आज सबका मूड क्यों खराब है? दादा जान में चुप है, बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी भी, और बिल्किस फूफी भी चुपचाप चली गई। कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी, हमें तो आप भी टेंशन में लग रही हैं। क्या हुआ आपको? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी। अम्मी बस ये ना, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सोने की तैयारी कीजिए। आज का दिन ही खराब है। अच्छा खासा नए पड़ोसी की बात अम्मी से कराने वाले थे, तबने मांटी ने बीच में आके सारा मामला बिगाड़ दिया। क्या मामला? किसने बताया आपको ये सब? अरे अम्मी हम ही तो आपको छत पर लेके गए थे, पता है नए पड़ोसी आपसे कुछ कहने वाले थे, और आपको पता है वो क्या कहने वाले थे? क्या कहने वाले थे? हमारे टैलेंट के बारे में। उनको लगता है कि हमें टेनिस प्लेयर बनने का टैलेंट है, और पता है वो अपने मामू जान से भी हमारी तारीफ करते हैं। अरे अम्मी आप सच कह रहे हैं? आपको यकीन नहीं होता ना, तो आप खुद ही पूछ लीजिए उनसे, हम अभी आपकी बात कराते हैं। नचो नहीं पड़ोसी। अम्मी खबरदार जो ये खिड़की खोली तो। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, अब से ये खिड़की बंद रहेगी बस। और आप सुन लीजिए, हम आखिरी बार बोल रहे हैं, उनसे दूर रहिए। बस क्यों अम्मी? अब तो हम सबसे अच्छे से बात करते हैं। हमने कहा ना आपसे, उनसे दूर रहिए बस। क्या हुआ अम्मी, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारी वजह से? समझ गए, हमने दोबारा टेनिस की बात की, इसलिए आप हमसे नाराज है ना? नहीं प्लीज, आप हमसे गुस्सा मत होइए, आगे से टेनिस की बात नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी इजाजत के बिना ना हम टेनिस खेलेंगे और ना उसकी बात करेंगे। हम बात टेनिस की नहीं है नचो, बात आपकी अम्मी की इज्जत की है। क्या करें हम, एक तरफ आपकी ख्वाहिश आपके सपने, दूसरी तरफ
इस घर की इज्जत। मामू ये पैसे दे दीजिएगा मैकेनिक को। कहाँ देख रहे हैं, क्या हुआ? अरे मियां ये खिड़की अभी तक खुली नहीं, हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से लेके आज तक ऐसे बंद नहीं देखा। तो मियां कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं है? आना देखिए मामू। अरे मियां हमसे बात तो करो यार, एक तो हम वैसे ही गिल्ट में मरे जा रहे हैं। कल से जब से तुमने कहा है हमें एहसास हो रहा है कि जोश में हम भी कुछ ज्यादा कह जाते हैं यार। एहसास बहुत बड़ी चीज है मामू, बस वक्त पे हो जाए। हम यह हो गया, एहसास भी हो गया और अब से हम कम बोला करेंगे। खैर छोड़ो मियां, उस बच्ची का कुछ करो। किस बच्ची का मामू? हम अपनी नज़मा का। किसी तरह से उसकी अम्मी से कह के उसे टेनिस खेलने की इजाजत दिलवा दो यार। मामू आपकी इतनी मामूली सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये उनका जाती मामला है भाई, और आपको मालूम है ना कि उस बच्ची का गार्डियन यहाँ पे कौन है, वो यूनुस। अगर मरियम भी खुद चाहती होंगी तो वो भी बात नहीं कर पाती होंगी। हम तो क्या बात करेंगे उनसे? नहीं नहीं मियां, तुम तो बिल्कुल बात मत करना, बदतमीज किस्म का इंसान है, बात बिगड़ जाएगी। जी अल्लाह का शुक्र है कि कोई माकूल बात आपके जहन में घर कर गई है, उस पर कायम रहिए। खुदा मियां खाना बन चल दिए। नसीमा भाभी, अब आपकी बहन का रिश्ता पक्का हो गया और इधर आपकी देवरानी मरियम का भी तो रिश्ता जुड़ रहा है। अभी भी छत पे वो नया पड़ोसी बात नहीं कर रहा था इनसे, नजमा और मरियम भाभी चक्कर काटते रहते हैं उस पड़ोसी के। छोटी भाभी, छोटी भाभी क्या अंदर आ जाए? जमाल भाई आइए ना। अस्सलाम वालेकुम छोटी भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाई रहमत खाला ने बताया कि आप कमरे में हैं, तो चले आए। रहमत खाला जी आ जाइए, आ जाइए। क्या छोटी भाभी है भाई, हमको पता चला कि आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया है, कमाल है। रहमत खाला कम से कम आपको तो छोटी भाभी का ख्याल रखना चाहिए। तीन बार कह चुके हैं, अब आप ही समझाइए। आइए आइए छोटी भाभी, आइए नाश्ता कीजिए। जी जमाल भाई मन नहीं है हमारा। मन कहाँ से होगा, शबनम की बातों को दिल से लगाए बैठी। ओहो आप भी छोटी भाभी है, शबनम की बातों को दिल से लगाने लगी। अरे ऐसे घटिया लोग ऐसी घटिया सोच ही रखते हैं। चलिए आइए आइए आइए, चलिए नाश्ते में आइए। आप फिक्र ना करिए छोटी दुल्हन, उस शबनम की तो खबर लेंगे। उसके बारे में तो ऐसी सी खबर मालूम है कि उसके खुद के माँ बाप को भी नहीं मालूम है। दो दिन के अंदर उस जलील शबनम को सारे मोहल्ले में तमाशा नाम बना दिया, तो हमारा नाम भी रहमत खाला नहीं। हाँ नहीं रहमत खाला, आप ऐसा कुछ ना कीजिएगा, किसी की इज्जत उछालना कहाँ की शराफत है। माशाल्लाह देखिए, एक आपकी सोच है और एक उस शबनम की सोच है। मगर उस बेहया ने हमारी छोटी दुल्हन के बारे में बुरी और गंदी बातें की है। रहमत खाला जाइए आप यहाँ से। जी और सुनिए, हो सके तो हमारे लिए कप चाय ले आइएगा। जी आप भी नाश्ता करवा दीजिए और सुनिए खुद मत ठूस लीजिएगा। तो हमारे लिए एक प्लेट बिस्किट ले आइए। कभी तो मुंह को आराम दिया करिए। आराम आराम है। अल्लाह लीजिए छोटी भाभी नाश्ता कीजिए आप, तब तक आपके लिए एक शेर रखते हैं। जी जी अब देखिए छोटी भाभी, नौकरी मिल गई लेकिन इस छोटे से शरीर से शायरी का बड़ा सा कीड़ा नहीं गया। कीड़ा शेर अर्ज कर रहा है कि दिलों के खेल का उसने डेमोक्रेटिक कनेक्शन कर दिया आखिर, दिलों के खेल का उसने डेमोक्रेटिक कनेक्शन कर दिया आखिर, और हसीना ने दीवानों में इलेक्शन कर दिया आखिर। हजम नहीं हो रहा? जी नहीं। कोई बात नहीं छोटी भाभी, क्या है कभी कभी खुद के शेर हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। बस छोटी भाभी आप ऐसी हंसते रहा करिए। देखना इस बार हम ही टेनिस चैंपियन बनेंगे स्कूल के। अभी टाइम है अक्षा,
ये बैडमिंटन नहीं है। कि चारों जो नकल्स हैं गौर से देखो, ये बिल्कुल एक लाइन में आने चाहिए, उंगली इस तरफ पॉइंट करनी चाहिए। तीन, इसी तरह आपका शॉट जाना चाहिए, दिस इज अ फ्रंट वॉली। वॉच द बॉल, बॉल को देखिए और फिर रैकेट घुमाइए। अजमा, पहली चीज क्या है? सिर्फ जान से कुछ नहीं होगा, आगे देखिए आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, ऐसे खड़ी होइए ऐसे, और पूरी बॉडी का मूवमेंट करना है आप। वॉच, वेरी नाइस, आइए, वेरी नाइस। अरे नजो, यहाँ क्या कर रही हो? हमारे साथ खेलो ना। नहीं मीठी, हमें नहीं खेलना। अरे आ जाओ नजमा, तुमने सुना नहीं इमरान सर ने क्या कहा था? जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसे प्रिंसिपल सर फ्री में टेनिस रैकेट गिफ्ट करेंगे। तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व। नहीं हमें नहीं खेलना। अच्छा, पहले ही हार मान लिया? हम हारे नहीं है अफशा, बस हमें नहीं खेलना। नजमा तुम्हें खेलना चाहिए, अगर तुम खेलोगी तो पूरी स्कूल के लिए ट्रॉफी जीत के आओगी, और तुम तो अपने अब्बू की तरह चैंपियन। और चैंपियन चैंपियन कितने ट्रॉफीज जीते हैं इसके अब्बू ने, बड़े मुश्किल से तो स्टेट लेवल तक पहुंचे थे, नेशनल लेवल में तो चांस तक नहीं मिला। अफशा देखो, मेरे अब्बू के खिलाफ एक गलत बयान बोला, समझी रहा? क्यों गलत ही क्या कहा, तुम्हारे अब्बू ने लाइफ में अचीव ही क्या किया है, आखिरकार स्कूल के टीचर ही बने ना। तुम लूजर हो और तुम्हारे अब्बू भी लूजर थे।